हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जैस्मिन की फ्रेंड हमारे घर पे आ रही है। एक्चुअली वो स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही है, तो जैस्मिन को मिलने के लिए आएगी। तो आज बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं पिज़्ज़ा और साथ ही बनेंगी ब्राउनीज। चीज़ चिली की रेसिपी आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं कर पाई थी किट्टी पार्टी वाले व्लॉग में, तो आज आपकी डिमांड पे वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी पिज़्ज़ा बेस के लिए सबसे पहले मैं डो रेडी कर रही हूँ। तो एक कप वार्म वाटर में एक टीस्पून डाला है शुगर और एक टेबलस्पून डाला है यीस्ट। तो ड्राई यीस्ट को पानी में डाल के बिना डिस्टर्ब किए 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, वो फूल जाएगा। उसके बाद एक टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, दो कप मैंने लिया है व्हीट फ्लार और एक कप डाला है रिफाइंड फ्लार यानी कि मैदा। वैसे तो पिज़्ज़ा बेस प्योर मैदे के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली है। बस थोड़े बहुत पानी की जरूरत हो तो थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल सकते हैं और एक लाइट सा डो हम रेडी कर लेंगे। ड्राई यीस्ट का इस्तेमाल करने से डो एक डेढ़ घंटे में रेडी हो जाता है। अगर हम यीस्ट का इस्तेमाल ना करें, दही के साथ चीनी के साथ डो रेडी करना चाहें, तो हमें कुछ घंटे पहले उसे बना के रखना पड़ेगा। बोल में ग्रीस लगा के डो उसमें रख देना है। एक कपड़े के साथ मैंने उसको कवर कर दिया है ताकि वो एक डेढ़ घंटे में आराम से फूल जाए। दवाई खानी है? दवाई मुँह करो, मुँह खोलो, आ करो दवाई खाएंगे। Oh my God. दवाई के नाम से दवाई और कितना ज्यादा एग्रेसिव होता है। तो आज हमारी किचन में है एक नया मेंबर। नया मेंबर पहले भी आई हूँ मैं किचन में, जो आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है किचन में। राजमा चावल बनाए थे मैंने, भूल जाते हो। तीन साल पहले आई थिंक, दो ओके दो साल पहले तीन चार बनाए थे मैंने, और वो बहुत स्वाद थे। और वो इतने स्वाद थे कि मुझे चार पांच साल बनाने की कोई जरूरत नहीं। सही है, वो एक ही को आपके कोटा पूरा हो जाता है। तो आज जैस्मिन क्या बना रही है? फजी ब्राउनीज। और किसके लिए बना रही है? निष्ठा। जैस्मिन की फ्रेंड आ रही है, उसने बोला है जैस्मिन को कि मुझे आपके हाथ का मीठा खाना है। उसने मुझे ये बोला कि मतलब कुछ बना के खिलाओ। तो मम्मा क्योंकि पिज्जा बना रहे हैं, तो मैं क्या मम्मा नमकीन बना रहे हैं, तो इसलिए मैं मीठा बना देती हूँ। यस, और मैंने वोट भी डाल दिया है। यस, अब जैस्मिन चॉकलेट काटने का ट्राई करेगी। काटने का एक वे होता है। गुड, मैं हेल्प यू। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे काटना है। ये प्रूफ है उसके लिए कि मैंने खुद ही बनाई है सारी। ओके, नो पैसे। ये देखो ऐसे रखा, आपने इसको ऐसे रखना है, मतलब यहाँ से आपने दबाना है, दिख रहा है? यहाँ से आगे को दबाओगे, थोड़ा सा पीछे को दबाओगे, वही कर जाएगा, कर जाएगा, दो तीन बार करोगे ना कर जाएगा। यहाँ से प्रेस करना ना जोर से, हाँ, और एक बार पीछे से, देखो प्रेशर दे। चलो मैं ऐसे मैट कर देता लावा कर देती हूँ, इतना सा काम तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। जैस्मिन ने लिया है 200 ग्राम चॉकलेट और 115 ग्राम उसने बटर लिया है। हमने डेढ़ मिनट के लिए किया है इसको माइक्रोवेव, ये मेल्ट हो गया पूरा। मिक्स मिक्स मिक्स। बेकिंग करना तो इजी है जैस्मिन, बेक तो रोज। बिल्कुल मामा, बिल्कुल, एक चीज तो रोज बेक कर सकती है जैस्मिन। हाँ, मीठा बंद कर रखा है हमने, मीठा ही बेक नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हेल्दी वे में बना सकते हैं बिना ऑयल के बेक करते हुए। एक कप इसके लिए पाउडर शुगर चाहिए और हाफ कप चाहिए ब्राउन शुगर। और एक एक करके जैस्मिन ने इसमें तीन अंडों का इस्तेमाल किया है। गुड जैस्मिन, गुड। ये फुली क्रीमी हो गया है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। मम्मा स्टॉप इट, हाथ भी लगाने दे रही, कह रही खुद ही करूंगी सब कुछ। चॉकलेट एंड बटर मिक्स पोर कर देंगे। हाफ कप मैदा डालो पहले,
हाफ कप मैदा और 1/4 कप कोको पाउडर। चलिए जब तक ब्राउनीज बेक होती हैं तब तक चीज़ चिली बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है चीज़ चिली या फिर चिली चिकन। घर में कोई पार्टी हो या आपको वैसे भी बनाना हो तो क्यूब्स में काट लेना है पनीर को। थोड़ा सा डालेंगे उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, में नमक डालना है, लाल मिर्च का पाउडर डालना है, मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाला है, 1 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है और 1 चम्मच मैदा डाला है। अब बोल को हिलाते हुए सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पानी हाथ में लेके ही डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। पनीर को फ्राई करने के लिए हमें कोई बैटर रेडी नहीं करना है, थोड़ा सा पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि पनीर के ऊपर सारे मसाले, कॉर्नफ्लावर और मैदा वगैरह अच्छे से कोट हो जाएं। और बहुत ही स्लोली इसे मिक्स कर लीजिए, पनीर टूटना नहीं चाहिए। और मीडियम हाई फ्लेम पे पनीर को फ्राई कर लीजिए। अगर आप पनीर को इस तरह से फ्राई करेंगे तो पनीर आपका बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, आपस में चिपकेगा भी नहीं। बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। जैसे देयर इज नथिंग फॉर यू हियर। लाइफ वरी मैडम ने 2 बार यहाँ से उठा लिया और वैसे इन्होंने शुगर बंद कर रखी है। बेटी ने पहली बार बनाई है ब्राउनीज, में खाऊंगी नहीं। पीछे आप दीदी को देख पा रहे हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, काफी दिनों के बाद दीदी आए हैं। पुराने व्लॉग्स में काफी बार आपने उनको देखा होगा। दीदी कुलदीप जी से बड़े हैं और नेचर बहुत ही अच्छा है। तूने जैस्मिन को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है की कुकिंग नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। अच्छा तो ये किसने बनाया है? पेपर कैसा हुआ? आगे का आगे। पहले फिजिक्स का हुआ, 3 से ही थे 4 में से हुआ। इंग्लिश में कमाल कर दिया, प्रॉपरली एक्सप्लेन करा ना वो टॉपिक, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। आग लगा दी। बताना था अपना कितना तेरा इंग्लिश वाले मैम ने तो A+ दिया मेरे को उस पर। फिर हमें केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री के अंदर 2 से ही थे 4 में से, अब आपको पता ही है केमिस्ट्री है। उसके बाद मेरा बायो का 5 में से 4 सही थे, ठीक है। उसका हुआ PE का, ठीक है। उसके अंदर योगासन में ताड़ासन करके दिखाया सबसे इजी वाला, सबसे इजी वाला। फिर बोलते कि स्क्वाट्स लगाओ और मेरी पेंटाइट थी, ठीक है। तो मेरे से लगे ना वो, मैं इतना जाके मेरे इधर से ऊपर हो जाए, मेरा जाए ना जाए नीचे तक। तो बोलना था ना सर पुशअप्स लगा दो, सर पुशअप्स लग जाएंगे। तो बोलते नहीं बेटा सारे यही लगा रहे हैं तो आपको भी लगाना पड़ेगा। फिर बस मैंने जैसे तैसे करके बच्चा उड़ाया वो, मैं तो सवेर भी याद कर 10 बार पूछ लिया मम्मा ने। पनीर एक बार फ्राई हो जाए उसके बाद तो बस बहुत ही थोड़ा सा काम है। ऑयल में सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, डाइस्ड कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज डाल दिए हैं। चिली चिकन के लिए भी हम सब्जियों को इसी तरह से सॉटे करते हैं। हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी लंबी लंबी कटी हुई, साथ ही डाल दिया है इसमें थोड़ा सा नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारी सॉसेस, सोया सॉस डालनी है, चिली सॉस डालनी है, थोड़ा सा सिरका डालना है, उसके बाद थोड़ी सी टोमेटो केचप डालनी है। सब्जियों के साथ सारी सॉसेस को अच्छे से मिला लेना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाने की जरूरत नहीं होती, आप सबको पता ही है। इनको हल्का सा हमने बस सॉटे करना होता है। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि हल्की हल्की ग्रेवी बन जाए। और थोड़ा सा पानी डाल देने की वजह से सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्सअप भी हो जाती है। इसके बाद 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के वो भी इसमें डाल देंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। पनीर डाल के सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड में हरे प्याज के साथ गार्निश कर दीजिए। चीज चिली रेडी है। मैं ऐसे आई हूँ जैसे मैं अपने घर आ रही हूँ, होमलेस बन के आई हूँ मैं। इतनी सुंदर है तू, इतनी सुंदर लग रही है और हर कपड़ों में सुंदर। दिमाग खराब है इसके। ड्रामे कब खत्म होंगे? तू जाएगी ना वहां पे, जब वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे पड़ेगी ना वहां पे तो भी नहीं होगा, सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे तेरे। रोना मत शुरू कर देना, आज प्रॉपर प्यार मिल रहा है मुझे। रोना मत शुरू कर देना बस, अब बाकी सब ठीक है, जाओ। नहीं रोएगी। जब तक सब लोग लंच करने के लिए टेबल पे आते हैं तब तक मैं चिकन रेडी कर लेती हूँ पिज्ज़ा बनाने के लिए।
क्योंकि वेज पिज्जा के साथ साथ बच्चे नॉन वेज पिज्जा भी खाएंगे। पिज्जा के लिए चिकन को आप अपने टेस्ट के हिसाब से रेडी कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ नींबू डाला है, नमक, काली मिर्च का पाउडर, गार्लिक पाउडर और जीरा पाउडर डाला है। बोनलेस चिकन है, जल्दी बन जाएगा। मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए जब तक पानी ना सूख जाए। चलिए जब तक चिकन बनता है तब तक लंच कर लेते हैं। में आप सेविंग करते हो तो वो आपको इंटरेस्ट उस पे देते हैं 0.3% 0.04% का, ठीक है। और वो उन पैसों को, आपके पैसों को वो किसी और बंदे को देते हैं 3-4% का इंटरेस्ट लगा के उसके ऊपर। राइट, हमारे पैसों से ही वो बैंक पैसा कमाता है। वेयर एज आप उनको किस एसेट्स बनाओगे, कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो कई गुना ज्यादा उससे रिटर्न देता है। जो इलॉन मस्क है उसके पास 200 बिलियन प्लस कुछ और बिलियन जो है पड़े हुए हैं उसके अकाउंट के अंदर, जो बल्कि उसके अकाउंट में नहीं पड़े। आपको क्या लगता है पैसे उसके सेविंग अकाउंट के अंदर है? नहीं, उसके वो जो वैल्यू है वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपनीज और उसके स्टॉक्स की वैल्यू है। वो पैसे उसके पास ऑन हैंड अवेलेबल नहीं है, पर वो वैल्यू जो है हमेशा बढ़ती रहती है। तो पैसे को पढ़े नहीं रखेगी, पैसा आता था उसे पढ़े नहीं रहता मैं सेविंग करूंगा, नहीं, वो उसे कहीं और इन्वेस्ट करता, कहीं और खर्च करता जिससे और बढ़े उसकी वैल्यू। मतलब हर जितना भी उसको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट कर देता है। यस, जो सेविंग्स है ना वो आपको 0.03% का इंटरेस्ट देगी। जब आप उसको किसी स्टॉक के अंदर लगाओगे, वैसे वो रिस्कियर है ना एक सेविंग अकाउंट से, बट अगर आप स्टॉक में लगाओगे उसकी वैल्यू कई गुना इंक्रीज होगी जितनी एक बैंक ने आपको देनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि तूने गलत फील्ड चूज कर ली है। उधर मेरे को सब लोग बोलते हैं, मुझे वैसे लगता है कि आपको एक बिजनेसमैन बनना चाहिए, ना कि एक डॉक्टर की फील्ड लाइन में जाना चाहिए था, बट वो तुम्हारी चॉइस है। लंच खत्म हुआ और चिकन का पानी भी पूरी तरह से सूख चुका है, तो चिकन रेडी हो गया, इसे हम साइड रख देंगे। आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है। 3 कप आटे में आपके 2 मीडियम साइज पिज्जा बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन मैंने 3 मीडियम साइज पिज्जा बनाए थे तो थोड़ा सा उनका क्रस्ट थिन बना था, क्रिस्पी था, टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, सबको बहुत पसंद आया। आपको मेजरमेंट इसलिए बता दिया है ताकि जब भी आप बनाने लगें तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस मैंने इस आटे के 3 पार्ट कर लिए हैं। उसके बाद जिस प्लेट में मुझे उसको बेक करना है उसी में मैंने वो आटा रखा है, उसे हाथों के साथ फैला देंगे। पिज्जा बेस अच्छा बनने तक की टेंशन होती है, उसके बाद तो बहुत इजी है। उसके बाद तो जैसा आपका मन करता है, जैसा आपका टेस्ट है, जो भी आप टॉपिंग्स में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। सबसे पहले पिज्ज़ा सॉस लगा दीजिए, उसके बाद मोज़रेला चीज़ अप्लाई कर दीजिए, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। अब सब्जियों में जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद है, जैसे शिमला मिर्च और प्याज तो जाएगा ही, साथ ही मैंने वेज पिज़्ज़ा में पनीर भी ऐड किया था, जलपिनोज ऐड कर लिए थे, आप चाहें तो उसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों के साथ चिकन पिज़्ज़ा में हमने चिकन डाल देना है। ज़्यादा चीज़ी बनाने के लिए ऊपर से एक बार फिर से चीज़ डाल दीजिए। 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट में बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। चिकन पिज़्ज़ा मैंने बाद में बनाया था, उसके पहले मैंने वेजिटेरियन पिज़्ज़ा रेडी कर दिया था। सारा कुछ खुद बनाया। वाह भाई, बेचना स्टार्ट कर दो पैकेज बना बना के। टाइम आप देख सकते हैं कि 5:30 हो गए हैं और इस टाइम मैंने सबको पिज्जा खिला दिया। मैं भी पिज्जा खा रही हूँ, तो बस अब हम सब पिज्जा खा लेंगे रात को डिनर। आई डोंट थिंक कि कोई करने वाला है ना। आज का दिन बहुत ही फैंटास्टिक रहा, बहुत कुछ बनाया मैंने और बहुत कुछ खाया हमने, बहुत अनहेल्दी हो गया। रात को डिनर नहीं करेंगे और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye. Take care and stay healthy.